हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है, ये जो वीडियो है, ये मेरे बेटे के बर्थडे का है। तो ये जो मेरे बेटे के बर्थडे से एक रात पहले का है, तो मैंने अपने जो इन लॉज हैं, मेरे ससुराल पक्ष के लोगों को हमने रात को ही बुलाया था डिनर के लिए। तो यहाँ का बहुत अच्छा एक द मिस्ट नाम का एक रेस्टोरेंट है, तो मेरे इन लॉज के वहाँ से, मेरे चाचा ससुर के वहाँ से बुलाया था। तो ये एंडी हैं और ये सब बच्चे हमारे घर के बच्चों को आप जानते ही गए होंगे, हमारे पुराने व्लॉग्स में आपने देखा होगा। सासू माँ, मनोरमा भाभी, सब लोग यहाँ अवेलेबल हैं। और हम लोगों ने एक रात पहले, अक्षज के बर्थडे से पहले, हम लोगों ने ये केक कटिंग कर दी थी। बड़ी प्यारी केक थी और इस पर क्या फ्री फायर का एक कैरेक्टर बना हुआ था। ये मुझे तो कुछ पता नहीं है फ्री फायर का कैरेक्टर वगैरह, बस ये बच्चे बोल रहे थे तो हमारे, तो हम लोगों ने केक में ऐसे करवा दिया। और ये सारे बच्चे देखिए केक कटिंग के लिए रेडी हैं, केक खाने के लिए, केक के धावा बोलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और आप देख पा रहे होंगे। और जो इंटीरियर है इस द मिस्ट का, बहुत ही बढ़िया था। यहाँ का फूड भी बहुत बढ़िया है, तो हमने सोचा कि हमारी फैमिली को हम यहीं डिनर करवाते हैं। तो हमने बहुत अच्छा अच्छा खाना भी ऑर्डर किया था, मे बी शायद आप देख पाएंगे आगे के व्लॉग में। तो ये केक कटिंग की अभी फर्स्ट प्रोसेस चल रही है, यहाँ चल रही है कि माचिस किस तरह से जलाई जाए, क्योंकि हम लोग इंडियन पेरेंट्स थोड़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसको माचिस जलाने में बहुत डर लग रहा है। ये मेरा बेटा है, ये वियान है, अभी वियान जलाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। वियान से भी नहीं हुआ, अरे हो गया हो गया हो गया। तो आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया है, 10th बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आप आगे के व्लॉग्स में आप देख पाएंगे किस तरह से हमने अपनी फैमिली के साथ मेरे बेटे के बर्थडे को एंजॉय किया। इस तरह से हमने अपने बर्थडे को, हमने बर्थडे की रात पे डिनर हमने एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। नेक्स्ट डे जिस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, उस दिन राम जन्मोत्सव मनाया गया था, राम प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया गया था। सो हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया गया था, वो आपने मेरे हमारे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो हमने सोसाइटी के बच्चों के लिए भी बर्थडे केक पार्टी आयोजित की थी। देखिए हमारे नेबर्स हैं, ये देखिए अक्षज का बर्थडे हमने फिर बच्चों के साथ भी मनाया, और उसके पहले हमने अपनी पूरी फैमिली के साथ मनाया था। तो ये हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं, जो अभी अक्षज के जो फ्रेंड्स हैं ये सब हैं। और ये दूसरा केक कटिंग चल रहा है, बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं, केक खाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। तो केक के बगैर बर्थडे और बर्थडे के बगैर केक, और बच्चे तो केक के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं हमेशा। तो केक तो सबको ही अच्छी लगती है वैसे। तो हमारी सोसाइटी के बच्चे देखिए यहाँ, हम बोल रहे हैं कि देखिए वेस्ट नहीं करने का, तो ये बाजू वाला जो हमारा बेटा था, ये का फ्रेंड था, ये केक लगा रहा था फेस पे, हमने बोला बेटा देखिए इसको ऐसे खाना वेस्ट नहीं करते हैं, इसको खा लीजिए आप, वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए बच्चे आए हुए हैं यहाँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो नहीं आ पाए क्योंकि वो महोत्सव चल रहा था, तो सब लोग वहाँ पार्टी कर रहे थे, वहाँ मंदिर में थे। तो जितने बच्चे अवेलेबल हो पाए हमारे यहाँ केक कटिंग, ये हैं अनल जी हैं, हमारे नेबर हैं ये,
आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा रिपल, तो आपने हमारी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा इन सबको। देखिए ये नेंसी है, ये नेंसी ने केक में हाथ में लगा लिया है तो हाथ धोने के लिए पूछ रही है। तो देखिए हम मस्ती में लगे हैं बच्चे, और बिल्कुल ट्रेंडिंग गाना है वो राम सिया राम वाला, देखिए जय श्री राम वाले। उस दिन तो बिल्कुल माहौल ही ऐसा था, बिल्कुल राममय पूरा माहौल था। तो देखिए यहाँ बच्चे डांस करने लगे हैं राम सिया राम पे, देखिए यहाँ बच्चों को डांस देखिए, बिल्कुल हमारे देश के बच्चे जो बिल्कुल राममय हो गए थे बिल्कुल उस समय। और देखिए यहाँ मस्त भजन पे भी डांस चल रहा है, ये देश का बच्चा बच्चा जय श्री राम कहेगा वो जो गाना है वो उस पर बढ़िया। देखिए यहाँ ये चल रहा है प्रोसेस। तो आई होप आपको हमारा जो छोटा सा व्लॉग है, क्यूट सा व्लॉग है, अच्छा लगा होगा। अपने फैमिली नियर और डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा। फैमिली हमारे जो व्लॉग्स हैं बिल्कुल फैमिली व्लॉग्स होते हैं, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को, और देखते रहिए क्लिक अमृता सिंह। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।